स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक वनीषा का पाठ 15 पढ़ेंगे, जो कि है अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं? सबसे पहले देखते हैं इसका शाब्दिक अर्थ। अ का मतलब होता है नहीं और विकार का मतलब होता है परिवर्तन, और इनको मिलाकर शब्द का अर्थ हुआ कि जिसमें कोई परिवर्तन न हो, उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन व काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता है, उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। तो ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव न पड़े, वे अव्यय हुए। जैसे अंजलि प्रतिदिन व्यायाम करती है, वे प्रतिदिन व्यायाम करते हैं। तो इन वाक्यों में प्रतिदिन शब्द पर लिंग और वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। स्त्रीलिंग के साथ में भी प्रतिदिन है और पुल्लिंग के साथ में भी प्रतिदिन ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः यह शब्द अव्यय शब्द है। अव्यय शब्दों के भेद, इसके 5 भेद हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक और निपात। सबसे पहले लेते हैं क्रिया विशेषण। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहले इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे अचानक वर्षा होने लगी, चोर उधर भागा, मैं 4 घंटे सोती हूँ, ऊपर कोई बैठा है। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, अतः यह क्रिया विशेषण शब्द है, अव्यय शब्द है। तो क्रिया विशेषण के 4 प्रकार। पहला स्थानवाचक, यानी कहाँ या कब। कालवाचक, ये कब। रीतिवाचक, कैसे। परिणामवाचक, कितना। बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। सबसे पहले कालवाचक, तो क्रिया के समय का बोध कराने वाले शब्द कालवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सार्थक हमेशा विचारों में खोया रहता है, तो कहाँ का उत्तर मिल रहा है, इसलिए सार्थक कहाँ खोया रहता है या तो विचारों में। और इसी तरह मैं कल नहीं आ पाऊँगा, तो मैं कब नहीं आ पाऊँगा, तो कल, ये उत्तर मिले, वे कालवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया के होने का ढंग बताने वाले शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे धुआंधार वर्षा हो रही है, बच्चा मज़े से खेल रहा है, यहाँ पर धुआंधार और मज़े से रीतिवाचक है। तीसरा प्रकार स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तो क्रिया के स्थान का बोध कराने वाले शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे पार्थ भीतर पढ़ रहा है, बाहर कौन खड़ा है। तो इस प्रकार स्थान बताने वाले शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कहलाते हैं। और अंतिम परिणामवाचक क्रिया विशेषण शब्द, क्रिया के परिणाम का बोध कराने वाले शब्द परिणामवाचक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा कम बोलो, हिमानी ज़्यादा सोती है। अब अगर इन शब्दों को हम किसी भी रूप में रखें, किसी भी लिंग के साथ में, किसी क्रिया काल के साथ में, इनका रूप नहीं बदलता है, इसलिए ये अव्यय शब्द हैं, जो कि क्रिया के विशेषता बता रहे हैं, इसलिए क्रिया विशेषण शब्द है। और क्रिया के भी हमने पढ़े कि ये 4 भेद होते हैं, जो कि कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक है। इसके कुछ अन्य उदाहरण कालवाचक के, सप्ताह, दिन, रात, प्रातः, सायं, परसों, आज। इसी तरह रीतिवाचक, देर से, फुर्ती से, तेज, सचमुच, तड़ातड़, जल्दी, धीरे धीरे। स्थान में किधर, उधर से, इधर, वहाँ, कहाँ, नीचे, सामने। इसी तरह परिमाणवाचक, तो बड़ा, बहुत, ज़्यादा, छोटा, थोड़ा, तनिक, अधिक। इसी ये सारे शब्द क्रिया विशेषण बताते हैं, इसीलिए क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कहलाते हैं। अब देखते हैं अगला संबंध बोधक। तो संबंध बोधक, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे घर के सामने कुआं है, जंगल के आसपास जानवर थे, कमरे के बाहर कोई खड़ा है, बंदर पेड़ के ऊपर बैठा है।
इन वाक्यों में सामने, के पास, आसपास, के बाहर तथा के ऊपर अव्यय शब्द क्रमशः घर व कुआ, जंगल व जानवर, कमरे व कोई तथा बंदर व पेड़ के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। अतः यह सभी संबंध बोधक अव्यय शब्द हैं, क्योंकि ये परिवर्तित नहीं हो रहे हैं। हम किसी भी लिंग वचन के साथ में इनको रखें, ये ऐसे ही रहेंगे। संबंध बोधक अव्यय के भेद, इसमें भी कई प्रकार के अव्यय होते हैं। संबंध बोधक अव्यय के कई रूप होते हैं, जैसे कालसूचक, जो कि ये बताते हैं कि के पहले, के बाद, के पश्चात, के पीछे या के आगे। यहाँ पर संबंध बताया जाता है, यानी दो शब्दों में या दो व्यक्तियों में इस तरह से संबंध बताने वाले ये शब्द हैं। इसी तरह स्थान सूचक, तो के भीतर, के बाहर, के अंदर, के पीछे, के निकट, के पास, के बीच, के मध्य, के बाएं, के दाएं, तो इस प्रकार स्थान बताने वाले। तीसरा ग दिशा सूचक, तो के सामने, की ओर, की तरफ, के समीप या के चारों ओर, यानी ये स्थान बता रहे हैं। और साधन सूचक, तो के द्वारा, के सहारे, के जरिए, इस तरह से संबंध बताने वाले साधन सूचक शब्द कहलाते हैं। विरोध सूचक, तो विरोध करने वाले, जैसे के विपरीत, के विरुद्ध, के प्रतिकूल, जहाँ पर प्रयुक्त होते हैं वहाँ पर विरोध सूचक संबंध बोधक अव्यय है। इसी तरह समानता सूचक, तो समानता के लिए के समान, के अनुसार, के सदृश्य और के तुल्य समानता सूचक है। इसी तरह हेतु सूचक, यानी कारण बताने वाले, तो के कारण, के अलावा, के रहित, के सिवाय, के लिए हेतु सूचक संबंध बोधक अव्यय है। ये विभक्ति के साथ में भी प्रयुक्त हो सकते हैं, जैसे के और विभक्ति के रहित भी या सही। तो विभक्ति रहित में देखते हैं, आज वह दिन भर खेलता रहा, और विभक्ति सहित, राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी वन को गए। यहाँ पर दो शब्दों को जोड़ा गया है, इसलिए संबंध बोधक अव्यय है। अब इनमें कारक की विभक्ति तथा संबंध बोधक में क्या अंतर होता है, क्योंकि कारक में भी विभक्ति आती है। तो कारक की विभक्तियाँ तथा संबंध बोधक लगभग एक सा कार्य करते हैं, परंतु फिर भी उनमें अंतर है। विभक्ति संज्ञा सर्वनाम का अंग होती है, उसका स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं हो सकता, जबकि संबंध बोधक अव्यय स्वतंत्र शब्द है। इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से कहीं भी हो सकता है, जैसे पेड़ पर सांप रहते हैं, ये विभक्ति है, जबकि पेड़ के ऊपर सांपों का बिल है, तो ये संबंध बोधक, यानी पेड़ और सांपों के बीच में संबंध बताने वाला शब्द के ऊपर संबंध बोधक अव्यय है, जिसका प्रयोग कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण में अंतर, तो कुछ अव्यय शब्दों का प्रयोग संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों की तरह किया जाता है। इनकी पहचान के लिए ये ध्यान रखें कि जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ हुआ है तो ये संबंध बोधक अव्यय है, और यदि ये क्रिया के बारे में जानकारी दे रहे हैं तो ये क्रिया विशेषण है। जैसे सड़क के सामने बस खड़ी है, अब यहाँ पर बस के साथ में के सामने प्रयोग हुआ है, तो बस संज्ञा शब्द है, जबकि सामने देखो, यहाँ देखने की क्रिया के साथ सामने शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यह क्रिया विशेषण है, इसलिए इन दोनों में अंतर है। इसी तरह दूसरा उदाहरण, घर के पीछे बगीचा है, तो यहाँ पर घर और बगीचे के बीच में संबंध बताने के लिए पीछे शब्द का प्रयोग हुआ है, और जबकि तुम मेरे पीछे चलो, यहाँ पर चलने की क्रिया के साथ में पीछे शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ क्रिया विशेषण होगा। और जब दो चीज़ों के साथ बीच में संबंध बताने के लिए प्रयोग करेंगे तो संबंध बोधक का प्रयोग अव्यय का अव्यय होगा। तीसरा, समुच्चय बोधक, जो शब्द दो वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं, समुच्चयों का जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे संदीप और कपिल भाई हैं, मैं घर जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे वहाँ किसी से मिलना है। वह झगड़ालू ही नहीं बल्कि जिद्दी भी है। यहाँ पर और, क्योंकि, बल्कि समुच्चय का बोध करा रहे हैं, दो शब्दों को, दो वाक्यों को, वाक्यांशों को जोड़ रहे हैं, इसीलिए ये समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। समुच्चय बोधक के भी दो भेद हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द। सबसे पहले
समानाधिकरण समुच्चय बोधक, तो जिन समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा दो समान वाक्यांशों, दो समान शब्दों और दो समान वाक्यों को जोड़ा जाता है उन्हें समानाधिकरण समुच्चय कहते हैं। जैसे रेखा और नीतू पुस्तकें खरीद लाई, कुछ बच्चे कहानी लिख रहे थे और कुछ चित्र बना रहे थे। यहाँ पर दो शब्द, पहले उदाहरण में दो शब्द समान शब्द रेखा और नीतू को जोड़ने के लिए और का प्रयोग हुआ, जबकि यहाँ पर दूसरे उदाहरण में दो वाक्यों को जिसमें कुछ बच्चे कहानी लिख रहे थे और कुछ, यहाँ पर बच्चे ही दूसरा कार्य भी कर रहे हैं, यानी कुछ तो कहानी लिख रहे हैं और कुछ बच्चे चित्र बना रहे हैं, तो यह उस दूसरे वाक्यों को जोड़ने के लिए और का प्रयोग हुआ है। इसी तरह निबंध अथवा कहानी में से एक लिखिए, यहाँ पर दोनों में अंतर है, अथवा का प्रयोग करके दोनों में अंतर बताया गया है। इसी तरह चाय पीना या शरबत पीना, तो यहाँ पर अंतर बताने के लिए अथवा या का प्रयोग हुआ है। अगला, पुस्तकें खरीदनी थी परंतु दुकान बंद थी, चाय नहीं मिली किंतु कॉफ़ी मिल गई, तो यहाँ पर परंतु और किंतु, तो इस तरह के प्रयोग से समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्ययों का प्रयोग होता है। दूसरा, व्यधिकरण समुच्चय बोधक, तो किसी वाक्य में प्रधान और आश्रित उपवाक्य को जोड़ने वाले शब्दों को व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। यहाँ पर दो वाक्य होने जरूरी हैं और एक प्रधान और दूसरा उपवाक्य होना चाहिए। इसके उदाहरण में देखते हैं, वे सफल होते हैं जो परिश्रम करते हैं, धीरे चलो ताकि थक न जाए, यानी एक मुख्य वाक्य और दूसरा आश्रित वाक्य है। इसी तरह, राम ने पढ़ाई नहीं की इसीलिए अनुत्तीर्ण हो गया, गृह कार्य नहीं किया अतः डांट पड़ी। तो यहाँ हमने पढ़ा कि समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं, पहला समानाधिकरण और दूसरा व्यधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जो समुच्चय बोधक शब्द दो या दो से अधिक समान पदों वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और, तथा, एवं, व, या, अथवा, किंतु, अगर, मगर, बल्कि, लेकिन, वरना, अतः आदि शब्द। इसी तरह व्यधिकरण में जो समुच्चय बोधक शब्द एक प्रधान उपवाक्य को एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों से जोड़ते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। तो यहाँ समानाधिकरण शब्दों को, वाक्यों को, वाक्यांशों को जोड़ता है, जबकि व्यधिकरण, और इन दोनों में मुख्य अंतर यही है कि व्यधिकरण में एक मुख्य वाक्य और दूसरे आश्रित वाक्य होते हैं जो उससे जुड़े हुए होते हैं, और इनका प्रयोग बताने के लिए ताकि, तो, इसीलिए, कि, अगर, यदि चाहो तो, यद्यपि, तथापि, मानो या न मानो, चूँकि, अर्थात शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगला, विस्मयादि बोधक, तो जो हर शब्द हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, क्रोध, भय, लज्जा आदि भावों को प्रकट करते हैं वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे अरे वाह, कोहली ने शतक लगाकर कमाल कर दिया, छी, हमारी टीम भारत से हार गई, शाबाश, ऐसे ही मेहनत करते रहो, होशियार, यहाँ जंगली जानवरों का खतरा है। इन वाक्यों में अरे वाह, छी, शाबाश और होशियार शब्द विभिन्न प्रकार के भावों को प्रकट कर रहे हैं, ऐसे शब्द विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय हमेशा वाक्य के प्रारंभ में लगते हैं, विस्मयादि बोधक शब्दों के आगे सदा विस्मय बोधक चिन्ह लगा होता है। विस्मयादि बोधक अव्ययों का प्रयोग विभिन्न मनोभावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है, जैसे हर्ष सूचक, इसके उदाहरण है वाह, आहा, शाबाश। इसी तरह शोक या पीड़ा सूचक, हाय, आहा, उफ। इसी तरह विस्मय सूचक, हाय राम, बाप रे बाप। और प्रशंसा सूचक में वाह, शाबाश, जय हो। घृणा सूचक में छी छी, थू थू। और चेतावनी सूचक में सावधान, खबरदार शब्दों का प्रयोग होता है। अगला, अंतिम प्रकार निपात, तो जिन अव्यय शब्दों का प्रयोग किसी शब्द पर विशेष बल देने के लिए ही किया जाता है उन्हें निपात कहते हैं। जैसे राधा ने मुझे ही पुस्तक दी है और राधा ने मुझे ये पुस्तक ही दी है, तो
किसी विशेष शब्द पर बल देने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वे निपात कहलाते हैं, और इसमें मत, मात्र, तक, भी, ही, तो, भर, केवल आदि शब्द आते हैं। अब यहाँ हमने तीन उदाहरण देखे। पहले उदाहरण में राधा ने ही मुझे पुस्तक दी है, यहाँ पर व्यक्ति विशेष को बताने के लिए कि मुझे जो पुस्तक मिली है वह राधा ने ही दी है, किसी और ने नहीं दी। इसी तरह दूसरा ही मुझे के साथ में हुआ है, तो राधा ने मुझे ही पुस्तक दी, यानी किसी और को पुस्तक नहीं दी बल्कि मुझे ही पुस्तक दी है। और तीसरे वाक्य में राधा ने मुझे पुस्तक ही दी है, तो यहाँ पुस्तक पर जोर डाला गया है, कोई और वस्तु नहीं बल्कि पुस्तक ही दी है। तो इस प्रकार किसी विशेष शब्द पर बल देने के लिए ही का प्रयोग होता है। अन्य उदाहरण देखते हैं। आदित्य ने ही सरल को मारा है, आदित्य ने सरल को ही मारा है, आदित्य ने सरल को मारा ही है। तो उपयुक्त तीनों वाक्यों में ही अव्यय का प्रयोग किया गया है। यहाँ सरल को मारने वाला कोई और नहीं, आदित्य ही है, यह बताने के लिए विशेष रूप से आदित्य पर जोर दिया गया है ही के साथ। इसी प्रकार आदित्य ने सरल को ही मारा है में आदित्य ने किसी और को नहीं बल्कि सरल को ही मारा है, यह सरल पे जोर देने के लिए बताया गया है। और तीसरी जगह आदित्य ने सरल को मारा ही है, या मारा के साथ में है, तो इसका मतलब मारा ही है कुछ और नहीं बल्कि उसे मारा है के लिए प्रयोग किया है। तो जिस पद के साथ ही का प्रयोग किया जाता है उस पद को बल मिलता है तथा उसके प्रयोग से वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। विशेष ही शब्द निपात है, निपात का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, जैसे ही का कोई अलग से कोई अर्थ इसका नहीं होता है। निपात के प्रयोग से पद को बल मिलता है, जिसके बारे में कहा जा रहा है उस पर विशेष जोर रहता है उसको बल मिलता है। निपात के प्रयोग से वाक्य का अर्थ बदल जाता है। यहाँ हमने तीन तरह से देखा, वाक्य को पढ़ा, और जैसे ही जिसके साथ लगा उसका अर्थ बदल गया। कुछ निपात शब्द इस प्रकार है, केवल, ही, भी, तो, तक, न, आदि। तो अब तक हमने पढ़ा जिन शब्दों का लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार रूप नहीं बदलता उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय 5 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक तथा निपात अव्यय। जो अव्यय शब्द दो या दो से अधिक शब्दों को वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं, और जो अव्यय शब्द वाक्य के किसी शब्द पद के साथ जुड़कर उसे बल प्रदान करते हैं उसे निपात कहते हैं।